नमस्कार दोस्तों, आप सभी का चैनल में स्वागत है। मैं इस वीडियो में दोस्तों फेज टू के लिए ESI में गवर्नमेंट स्कीम्स आती है, जो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन संबंधित महत्वपूर्ण स्कीम्स हैं उनका नाम आपको बताऊंगा। ये स्कीम्स दोस्तों वो स्कीम्स हैं जिनको आपको गूगल करके डिटेल में पढ़ना है। आपको कुल मिला के इनके बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं, की पॉइंट्स, सबके बारे में रिसर्च करना है आपको दोस्तों। गिनती की स्कीम्स हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिलेवेंट सिलेबस से ज़्यादा कनेक्टेड स्कीम्स को मैंने उठाया दोस्तों। ये स्कीम्स हैं, आप सबसे पहले कीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। आप आराम से 4-5 घंटे में सभी स्कीम्स की इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आप बाकी स्कीम्स जो पढ़ते हैं वो पढ़िए, लेकिन ये स्कीम्स वो है जिनका आपको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम्स है दोस्तों। या तो पहले पूछी गई है या फिर स्कीम्स अभी आने वाले फेज टू में पूछी जा सकती है दोस्तों। अगर आप नए हो, चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी मैं कल सुबह शेयर करने वाला हूं, और इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के लिए जो भी इंपॉर्टेंट टिप्स है दोस्तों उसका एक छोटा वीडियो लेके आऊँगा मैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से स्कीम्स हैं उनको देख लेते हैं जो आपको डिटेल में कवर करनी है। सबसे पहले आप इन स्कीम्स को कीजिए, उसके बाद बाकी स्कीम्स को करिए दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों मैं कवर करूँगा मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की स्कीम्स। इसके अंदर आपको जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है, पहली है प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। दोस्तों मोदी गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा फोकस रहा इस स्कीम के तहत, तो इस स्कीम के आप डिटेल्स गाइडलाइन पढ़ लीजिए। ये मिनिस्ट्री ऑफ MSME इंप्लीमेंट करता है प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। दोस्तों 2008 में स्टार्ट की गई थी, आप इस स्कीम को अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिए। बेसिकली क्या क्या सब्सिडी मिलता है, क्या इसके इंसेंटिव्स है वो देख लीजिए। दूसरा स्कीम है दोस्तों नेशनल SC ST हब। दोस्तों नाबार्ड 2019 में आया था फेज वन में, कि ये कौन से मंत्रालय इंप्लीमेंट करता है, तो आप ये सोशल जस्टिस में हम कंसिडर कर सकते हैं, आप इसको थोड़ा ध्यान रखिए। अगला तीसरा नंबर का स्कीम है क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस CGTSME। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमारे मीडियम एंटरप्राइजेस, स्मॉल एंटरप्राइजेस है, MSMEs, उनको सपोर्ट करने के लिए दोस्तों क्रेडिट गारंटी फंड है। चौथा स्कीम है रिवाम्पड स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज स्फूर्ति, जिसका लास्ट टाइम बजट में काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया था दोस्तों। इस बार बजट में नहीं है, लेकिन आप पुराने बजट में देखेंगे तो स्फूर्ति का काफ़ी ज़्यादा नाम था, तो इस स्कीम को कवर कीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है उनको रिवाइवल करने के लिए स्पेशल फंड है। पाँचवा नंबर का स्किल अपग्रेडेशन एंड महिला कोयर योजना MCY, कुल मिला के महिलाओं के लिए दोस्तों हेल्प करने के लिए योजना चलाई जा रही है। हम आगे चलते हैं अगले मंत्रालय पे। अगला मंत्रालय बहुत ही महत्वपूर्ण है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जहाँ से पिछले 2-3 साल में भर के सवाल पूछा गया है दोस्तों। सारी की सारी योजनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबको डिटेल में पढ़ लेना आप, इनमें से सवाल आएगा ही आएगा मेरे हिसाब से, एक ना एक स्कीम पिक होने वाली है। पहला है दीनदयाल अंत्योदय नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, आप PIB का यूज ले सकते हैं, साथ में गूगल कर सकते हैं। दूसरा है नरेगा, नरेगा में दोस्तों हर बार यानी कि एक आध सवाल तो आ ही जाता है नरेगा पे, फिर या तो 1 मार्कर 2 मार्कर, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइए दोस्तों। तीसरा नंबर का प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, बहुत ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है मोदी सरकार द्वारा। अगला है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, दोस्तों मैं इस स्कीम के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से कीजिए, अलग अलग कैटेगरी है, आप इसका जो वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, गाइडलाइंस पढ़ सकते हैं दोस्तों। 15 अगस्त 1995 स्टार्ट हुई थी, बहुत जो हमारे जो दोस्तों पेंशन स्कीम है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, आप अच्छे से पढ़ के जाइए। अगला नेशनल रूरल अर्बन मिशन, 2-3 बार इसमें सवाल पूछ के लिया गया है दोस्तों रूरल अर्बन मिशन में से। 2017 मैंने एग्जाम दिया था ESI का, उसके अंदर इनफैक्ट इसके अंदर से 2 से 3 सवाल आए थे 2 मार्कर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ढंग से करिए। फिर है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, काफ़ी ज़्यादा है गरीबी हटाने के लिए, हाउसिंग सेक्टर हाउसिंग फॉर ऑल 2022 के तहत ये स्कीम है। उसके बाद में दोस्तों संसद आदर्श ग्राम योजना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है, ऑलरेडी 2 से 3 बार एग्जाम में आ चुका है, नाबार्ड में आ चुका है दोस्तों, आप इसको अच्छे से कीजिए। अगली स्कीम है RCT दोस्तों रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के चलाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार इस पूछा जा चुका है एग्जाम में। उसके बाद में अगली स्कीम है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किलिंग का जो भी योजनाएं हैं मोदी सरकार की द्वारा लाई गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से गाइडलाइंस आप करके जाएं स्किल डेवलपमेंट के जो भी योजनाएं हैं। ये कुल मिला के रूरल जो 15 से 35 साल का यूथ है उनके लिए चलाई जाती है स्किल डेवलपमेंट के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। उसके बाद में है दीनदयाल अंत्योदय नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन,
दोस्तों अर्बन सेक्टर, अर्बन पार्ट है उसका डे एनआरएलएम का कुल मिला के। तो इस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम से दोनों के दोनों डे एनआरएलएम और डे एनयूएलएम। और दोस्तों एमजी नरेगा है वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम है। हम लोग अगले मंत्रालय पर चलते हैं, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कवर कर लेना दोस्तों। इसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अगर कोई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है मोदी सरकार के तहत तो ये है, क्योंकि मोदी दोस्तों आपको पता है डेमोग्राफिक डिविडेंड्स के बारे में बोलते रहते थे कि डेमोग्राफिक डिविडेंड्स को हमको यूज़ में लेना, तो उसके लिए स्किल डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे युवाओं का दोस्तों। तो उसी को ध्यान में रखते हैं 8 स्कीम्स, आप इनको अच्छे से कीजिए सबसे पहले, उसके बाद में बाकी आप टाइम है तो कर सकते हैं, डिटेल में कवर करना इन स्कीम्स को। पहला जन शिक्षण संस्थान दोस्तों, ये स्कीम पहले MHRD के अंदर आती थी, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो चुका है, लेकिन इसको पिछले साल दोस्तों पिछले दो साल पहले इसको जन शिक्षण संस्थान स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप को दिया गया है। तो पुरानी है थोड़ी, न्यूज़ में है, आप अच्छे से कीजिए। पहले दोस्तों इसका अलग नाम था, ये भी ओल्ड स्कीम है, लेकिन इसका रिवाम करके अब फिलहाल जन शिक्षण संस्थान बोलते हैं इसको। आगे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना दोस्तों, इसका सेकंड एडिशन था, अभी थर्ड एडिशन लॉन्च किया दोस्तों इस बार, तो आप ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0। अगला स्किल लोन स्कीम, ये लास्ट टाइम RBI ग्रेड भी आया था दोस्तों ESI में। उसके बाद में संकल्प स्कीम, वर्ल्ड बैंक के साथ में असिस्टेंट्स के साथ में शुरू किया स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने, स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लिवलीहुड प्रमोशन, संकल्प स्कीम, अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिए दोस्तों। जो भी वर्ल्ड बैंक कितना असिस्टेंस दे रहा है, कौन सा मिनिस्ट्री ने, फुल फॉर्म कब स्टार्ट किया गया था, ये सब चीज़ें आप देख के जाइए संकल्प स्कीम के बारे में। आगे एस्पायरेशनल स्किल अभियान दोस्तों, हमारे जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके लिए स्पेशल स्किलिंग इनिशिएटिव है, आप इसको देख लीजिए। उसके बाद स्किल इंडिया मिशन, लास्ट टाइम RBI ग्रेड भी फेज 2 में ESI में आया था दोस्तों, 4 सवाल आए थे, 2-2 मार्क करके। तो स्किल इंडिया मिशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से थोड़ा फीचर्स देख लीजिए। अगला था दोस्तों जिसको हम बोलते हैं स्ट्राइव स्कीम, स्ट्राइव स्कीम है स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहेंसमेंट। स्ट्राइव स्कीम को आप अच्छे से कवर कीजिए, सब पॉइंट्स कवर कीजिए। हम दोस्तों अगले मंत्रालय पर चलते हैं, अदर स्कीम्स जो भी मेरे हिसाब से मेरे को इंपॉर्टेंट लगी एग्जाम में आने लायक है उनको मैंने इसमें लिस्ट आउट किया है। पहला चैंपियन सर्विस सेक्टर स्कीम्स दोस्तों, जो अभी हमारे जो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए जो सर्विस चैंपियन सेक्टर्स, जो सर्विस सेक्टर आइडेंटिफाई किए गए थे लास्ट ईयर का, ये थोड़ा न्यूज़ में था। उसके बाद में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए हमारे देश में काफ़ी, इस बार बजट भी 1.97 लाख करोड़ रुपये एलोकेट हुआ है, तो आप इस स्कीम को अच्छे से कवर कीजिए दोस्तों। मैं तो बोलूँगा आप बजट यूनियन बजट का जो स्पीच उससे कवर कर लो, क्योंकि यहाँ से 2-3 सवाल आ सकते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है इस पर्टिकुलर एरिया पे। आगे स्टार्टअप इंडिया स्कीम, स्टार्टअप इंडिया स्कीम दोस्तों DPIIT चलाता मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। अच्छे से स्कीम्स कवर, अच्छे से गाइडलाइंस कवर कीजिए दोस्तों, अच्छे से अचीवमेंट्स कवर कीजिए स्टार्टअप इंडिया के तहत, जो हमारा दोस्तों रैंकिंग भी लाता है हमारे नीति आयोग, तो वो भी आप देखिए स्टार्टअप इंडिया के तहत। अगला स्टैंडअप इंडिया स्कीम है, तो फेज 1 में आया स्टैंडअप इंडिया स्कीम का। उसके बाद में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अच्छे से देखिए आप दोस्तों जो कैटेगरी होती है सब चीज़ें। उसके बाद में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ये थोड़ा एनवायरनमेंट का संबंधित है दोस्तों। हमने जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं उन सबको हम लोग देख रहे हैं इसमें। आप ये जो स्कीम्स हैं एक बार सिंगल सिटिंग में बैठ के 2-3-4-5 घंटे लेके सबको डिटेल में पढ़ दो, सबके फीचर्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सब देख लीजिए। हम आगे की स्लाइड में चलते हैं दोस्तों। अभी क्या होगा, ये लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हमने देखी स्कीम्स। अब इसके अलावा एक ओल्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो प्रोग्राम्स हैं स्कीम्स हैं वो भी कई बार एग्जामिनर पूछता रहता है, तो उस बात को हम ध्यान में रखते हुए एक संपूर्ण रोजगार योजना है दोस्तों, आप इसको अच्छे से कवर कीजिए। साथ में मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसके अंदर जो ओल्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स हैं उन सबको कवर करूंगा एक फ्लो चार्ट के तौर पे। भाई नरेगा आया है, नरेगा के बैकग्राउंड में कौन कौन सी स्कीम्स थी और कौन सी को मर्ज करके नरेगा आया है, और उसके बाद में डे NRLM का भी जो कौन सी स्कीम्स तो कैसे मर्ज किया गया है और ये नई स्कीम लाई गई है, वो दो चीज़ों का मैं दो वीडियो अलग से डालूंगा, जो कि पुरानी जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स उसका फ्लो आपके दिमाग में एक बार समझ में आ जाएगा दोस्तों। अगर दोस्तों आप नए हैं, चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं उन तक आप वीडियो शेयर कीजिए दोस्तों। मैं अभी फाइनेंस मैनेजमेंट इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ, होपफुली कल महाशिवरात्रि की छुट्टी है उसके बाद में, तो मैं महाशिवरात्रि वाले दिन सबका जो भी पेंडिंग चीज़ें हैं स्ट्रेटेजी सब शेयर कर दूंगा, और साथ में जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं मैं 2-3 वीडियो लाऊंगा उस दिन। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए अच्छा सच्चा मटेरियल ला सकूँ दोस्तों। अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा देना दोस्तों। आप लोग सपोर्ट करिए ताकि आपके लिए मैं बेहतर से बेहतर
कंटेंट ला सकूँ। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।